गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने एंड किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। आज हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटू एस। अब देखिए, इसमें दो ही केस होता है। स्पिन क्वांटम नंबर में दो ही केस होकर होता है कि आइदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे। जैसे मान लो कि ये अगर हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक, ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इसके ऊपर अगर ये एक मेरा ऑर्बिटल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आइदर ये रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज। यही दो डायरेक्शन हैं अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि देयर आर ओनली टू केसेस आइदर इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में ये वाला क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक, यही दो डायरेक्शन में होता है। पहला पॉइंट जो है मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो सिंबल होता है इसे क्या होता है, छोटू एस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। स्मॉल एस से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इंडिकेट्स the spin of electron and it indicates the spin of electron around its ऑन एक्सिस। इट इंडिकेट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट ऑन एक्सिस विच कैन बी आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड लास्ट में एस कैन हैव only two values, S can have only two values, that is plus half and minus half. S can have only two values, that is plus half and minus half. अब जैसे मान लो ये अगर मेरा s ऑर्बिटल है तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ। अब इसको शो करने के लिए आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, तो अगर ये ऊपर है तो माइनस हाफ है तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, और प्लस हाफ वाले को आप ऐसे भी शो करते हो
और माइनस हाफ वाले को आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे शो करें, हाफ की पूरा, दोनों का मीनिंग सेम है। इट डिपेंड्स ऑन यू इन विच वे यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इट। नेक्स्ट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जो हम किस देते हैं फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू बी डॉट m। बी डॉट एम इसका यूनिट है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। ये क्या होता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म इसका होता है बोहर मैग्नेट्रॉन। और यहाँ पर छोटू एन क्या शो करता है, छोटू एन शो करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। छोटू एन शो करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए अब तो पहले हम ये बात करें कि कब आप बोलोगे कि सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कब आप सिस्टम में बोलोगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फोकस करें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फोकस करें, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इफ एन ऑर्बिटल इफ एन ऑर्बिटल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इफ एन ऑर्बिटल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला आपका पेयर नहीं हुआ। पेयर कब होगा, जब ऑर्बिटल में दो के दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं हुआ। वही हम कह रहे हैं कि इफ एन ऑर्बिटल हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन देन इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then it is unpaired electron। Second point, if an orbital has only two electrons, अब orbital में दो के दोनों electron हैं, तो क्या हो गया, अब तो paired हो गया, अब तो unpaired है नहीं, then it is paired electron, then it is paired electron। तो आप कैसे पता लगाओगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है कि नहीं कि पेयर्ड है, अगर ऑर्बिटल में दो के जगह एक इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड बोलेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दो के जगह अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, दो इलेक्ट्रॉन के जगह दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड, और कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एम्प्टी। क्लियर है? चलिए ये हो गया पहला। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जहाँ पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको हम पैरा मैग्नेटिक भी बोलते हैं, पी ए आर ए एम ए जी एन आई टी सी, इसको हम पैरा मैग्नेटिक भी बोलते हैं। और जहाँ पेयर्ड होता है ना बेटा, इसको हम डाया मैग्नेटिक भी बोलते हैं, इसको हम डाया मैग्नेटिक भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि जहाँ पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं, और जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर हम इसको डायामैग्नेटिक भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपके क्लास 12 तक यूज आएगा, बोर्ड में भी, जेई मेडिकल जहाँ तक जाओगे। नेक्स्ट, हम बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन एच बाई टू पाई। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट होता है टोटल स्पिन ऑफ एटम, टोटल स्पिन ऑफ एटम जो कितना होता है, ये होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन ऑफ एटम कितना होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये हो गया टोटल स्पिन ऑफ एटम, टोटल स्पिन ऑफ एटम। अब इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता करना है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। आर नॉट पॉसिबल सबसे पहला हम दे रहे हैं n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर प्लस 2, s बराबर प्लस। अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, आपको सर स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे n बराबर 3, हमें पता है कि n कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो n बराबर 3 ये वाला सही है। कहीं भी कोई स्टेप गलत हो गया काट देना है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n minus 1, यानी l हो जाएगा 0 to 3 minus 1, यानी ये हो जाएगा 0 to 2, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1, 2। लेकिन यहाँ पर L का वैल्यू आइदर इट कैन बी 0 or 1 or 2, लेकिन यहाँ पर L का वैल्यू हमारा 3 है, सो ये वाला फेल हो गया, इसीलिए ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। हर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, कोई स्टेप फेल हो गया उससे आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर हम बी बनाते हैं, एक और आपको लिए एक्सप्लेन करते हैं। एन बराबर 4 दिया है, एल बराबर 3 है, एम बराबर प्लस 4 है एंड एस बराबर माइनस हाफ है। चलो ये चेक करते हैं कि ये हमारा सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहला n बराबर 4, n कैन टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला वाला सही है। l कितना हो जाता है, 0 to n minus 1,
0, 2, 4, -1, 0, 2, 3 मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3 यानी L का वैल्यू 3 है, ये भी सही है। आगे बढ़ो, जब L बराबर 3 दिया है तो मेरा M कितना हो जाएगा, हमारा M का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है M का वैल्यू, -L to +L including 0 -L to +L including 0 L का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -3। L दिया हुआ है कितना हमारा 3, यानी M का वैल्यू हो जाएगा हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 क्योंकि L हमारा 3 दिया है, कहीं भी हमारा M प्लस 4 नहीं आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप एक एक स्टेप चेक करोगे, कहीं भी फॉल्ट आएगा वो आपको छोड़ देना है। हम कुछ आपको होमवर्क्स दे रहे हैं जो आप सॉल्व करोगे। नंबर सी आपको ये टेस्ट करना है कि जब n बराबर 1 है, जब मेरा l बराबर 0 है, जब मेरा m बराबर प्लस 1 है, जब s बराबर 0 है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। नेक्स्ट, जब n बराबर 5 है, l बराबर 4 है, m बराबर -4 है, s बराबर 0, ये पॉसिबल है कि नहीं। जब हमारा n बराबर 6 है, l बराबर 5 है, m बराबर -5 है, s बराबर +1/2 है, और लास्ट में जब मेरा n बराबर 7 है, l बराबर 6 है, m बराबर -7 और s बराबर +1/2। ये चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि क्या ये पॉसिबल, जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये पॉसिबल है कि नहीं, ये आपको टेस्ट करना है। क्लियर है? चलिए, अगला हम जा रहे हैं बात करने, जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n प्लस l ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n प्लस l ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला हम बात कर रहे हैं 1s का, तो 1s में जो मेरा n बराबर 1 है और s के लिए हमारा l बराबर 0 है, तो हमारा n प्लस l का वैल्यू हो जाएगा 1 + 0 = 1। चलिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2s, तो 2 है तो मेरा n बराबर 2 हो गया और s के लिए हमारा l बराबर 0 हो गया, therefore n प्लस l बराबर 2 + 0 = कितना हो गया 2। अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 3p, तो 3 है तो मेरा n बराबर 3 हो गया और p के लिए मेरा l बराबर 1 होता है, तो मेरा l प्लस 1 हो जाता है 3 + 1 = 4। तो इस तरह से हम n प्लस l का वैल्यू निकालते हैं, रेस्ट आप खुद सॉल्व करो। अगर एग्जांपल नंबर 4 दिया गया, आप खुद बनाना इसको कि 5d के लिए हमारा n प्लस l का वैल्यू कितना होगा। दूसरा हम दे रहे हैं कि हमारा 6f के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना होगा, 5, 6 के लिए हमारा 7s के लिए
एन प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, ये तीन आप खुद सॉल्व करना। क्लियर है? चलिए अगला हम जा रहे हैं बात करने, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि विच क्वांटम नंबर विच क्वांटम नंबर कैनॉट बी फ्रैक्शनल, विच क्वांटम नंबर कैनॉट बी फ्रैक्शनल, कौन सा क्वांटम नंबर है जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। अब देखो मैं एक एक करके टेस्ट करूंगा। एस एन का वैल्यू क्या होता है, आइदर इट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी एन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एल का वैल्यू क्या होता है, 0, 2, n-1, यानी एल भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एम का वैल्यू क्या होता है, -L2+L(0), यानी एम भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन एस का वैल्यू क्या होता है, +1/2 and -1/2, तो एस कैन बी फ्रैक्शनल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो क्या बोलोगे, प्रिंस एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीन क्वांटम नंबर हैं जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, और एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ये फ्रैक्शनल हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर कैनॉट बी जीरो, विच क्वांटम नंबर, विच क्वांटम नंबर कैनॉट बी जीरो, विच क्वांटम नंबर कैनॉट बी जीरो, ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो जीरो नहीं हो सकता। चलो अगर हम n की बात करें तो n का वैल्यू 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा, यानी n कैन नॉट बी जीरो। l का वैल्यू हमेशा 0 to n-1 होता है, तो n जीरो हो सकता है, l जीरो हो सकता है, l नहीं होगा। m का वैल्यू क्या होता है, -L2+L(0), -L2+L(0), यानी जो हमारा m है ये भी जीरो हो सकता है। और s का तो दो ही वैल्यू फिक्स होता है, एक होता है +1/2, एक होता है -1/2, तो s cannot be जीरो। तो विच क्वांटम नंबर cannot be जीरो, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी पता करो, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सा क्वांटम नंबर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम n की बात करें तो n हमेशा 1, 2, 3 से स्टार्ट हो सकता, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर l का वैल्यू बात करें तो l होता है 0 to n-1, l भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम m की बात करें तो m होता है -L2+L(0), तो m हमारा नेगेटिव हो सकता है। और s का दो वैल्यू होता है +1/2 and -1/2, यानी s भी नेगेटिव हो सकता है। तो केवल n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l एजीमुथल क्वांटम नंबर, केवल यही दो क्वांटम नंबर है जो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एन प्लस एल इक्वल टू फाइव। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एन प्लस एल इक्वल टू फाइव। चलिए सबसे पहले अगर हम ये बात कर दें, ये आपका रफ कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एन बराबर थ्री होगा तो मेरा एल बराबर होगा 0,1,2। अगर मेरा एन बराबर फोर होगा तो मेरा L हो जाएगा 0,1,2,3। तो इन दोनों से आपने क्या देखा कि जो N है वो हमेशा बड़ा होता है L से, क्योंकि अगर N का मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो L का मैक्सिमम वैल्यू 2 रहता है, N का अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो L का मैक्सिमम वैल्यू 3 रहेगा। अब हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ सकते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एन प्लस एल बराबर फाइव, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम अगर एन एंड एल का डिफरेंट वैल्यू ले ताकि जोड़ने पर फाइव आ जाए, तो पहला अगर केस में मान लीजिए मैंने एन को फाइव ले लिया और एल को जीरो ले लिया, दोनों को जब हमने जोड़ा एन प्लस एल तो कितना आ जाएगा फाइव। अब देखो n बराबर 5 है तो इसको हम 5 लिख देंगे, l बराबर 0 है तो इसको हमने s लिख दिया, पहला केस। दूसरा अगर मैं इसको 4 कर दूँ ये 1 कर दूँ, हम देख रहे हैं कि n बराबर 4 l बराबर 1 यानी n हमारा l से बड़ा है, कंडीशन फुलफिल है, हम आगे बढ़ेंगे। 4n प्लस l 4 प्लस 1 बराबर 5, n बराबर 4 है तो 4, L बराबर 1 है तो P, ये हो गया 4P। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3,2, हम देख रहे हैं कि N 3 है L 2 है, N L से बड़ा है तो चलेगा 3 प्लस 2 बराबर 5, 3 है तो 3 और 2 है तो D, ये आपका हो गया 3D। अगला अगर हम बात करते हैं N बराबर 2 L बराबर 3, ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि n छोटा हो गया l बड़ा हो गया, लेकिन हमारा रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि हमेशा n बड़ा होना चाहिए l से, तो ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पर फेल हो गया। अब मुझे पता है कि पहला वाला s ऑर्बिटल है तो s में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला p ऑर्बिटल है तो p में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा वाला d ऑर्बिटल है तो d में होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सबको हम जोड़ दें तो 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस l बराबर 5, वो कितना आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितना आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, चलिए अगला हमारा कुछ फॉर्मूलास हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को आते हैं। हम बता रहे हैं कुछ आपके फॉर्मूले लिस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n² पहला फॉर्मूला। दूसरा
नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी ऑर्बिट, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी ऑर्बिट बराबर एन। नंबर थ्री, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। नंबर फोर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1 is equal to 2l plus 1. Next, number of electron in any subshell, number of electron in any subshell is 2 into 2l plus 1. Number 6 formula, number of electron in any cell, number of electron in any cell 2n square. Number 7, number of electron in any orbit, number of electron in any orbital वो कितना होता है 2, वो फिक्स हो जाता है हमारा 2। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में तो आते ही आते हैं। तो ये फार्मूला अगर आप दो तीन बार इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे लिखा। जहाँ पर स्मॉल n क्या शो कर रहा है, स्मॉल n इज शोइंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड स्मॉल l इज रिप्रेजेंटिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Rules for writing electronic configuration. ठीक है, चलिए सबसे जो पहला रूल्स आएगा वो है अफबाउ रूल। सबसे जो पहले आएगा वो हमारा है अफबाउ रूल। क्लियर है? आप इससे पहले